कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से बंद हालत में बनी वैसी श्रमिक अन्नपूर्णा योजना को चालू करने की सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार ने मांग की है। गुजरात में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत तमाम श्रमिकों को काफी किफायती दाम में अच्छा भोजन मिल पा सके वैसे आशय से राज्य सरकार द्वारा ये योजना चालू की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा श्रमिकों को बीपीएल कार्ड में से फिलहाल एपीएल बनाए गए हैं। सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के तहत भोजन तथा टिफिन सेवा काफी अच्छी बनाई गई थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये श्रमिक अन्नपूर्णा योजना संपूर्ण रूप से बंद हालत में है। ऐसे में अब एक बार फिर श्रमिकों के लिए भोजन की परेशानी पैदा हो रही है। सिर्फ 10 रुपए में ही मिलते टिफिन भरकर भोजन व्यवस्था अंतर्गत ये योजना बंद होते हुए श्रमिकों के लिए परेशानी बढ़ी है, जहां सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार ने एक बार फिर ये श्रमिक अन्नपूर्णा योजना को चालू करने की मांग करते हुए रजूआत की थी। आप डेली खाना खाते थे? डेली खाते थे खाना, चौपड़ी भी थी, चौपड़ी घर तो पड़ी होगी, जमा कर ले। इधर चौपड़ी भी दिया था तो आपको? हाँ। तो कितने साल तक खाना खाया आपने? कम से कम 2-3 साल खाया। फिर बंद हो गया? फिर बंद हो गया। तो आप क्या चाहते हो चालू हो वैसा? अभी चालू हो जाए तो अच्छा है। क्या नाम आपका? मोहनलाल अग्रवाल। 70 दी जो पूर्व मुख्यमंत्री था तेवा समय थी जे अन्नपूर्णा जे श्रमिक योजना जे छे तेने लाभ तमाम लोगों ने मळतो हतो, परंतु घणा वखतोथी जे अन्नपूर्णा जे श्रम योजना जे छे तेने बंद करवामां आवी छे। एटले अमारी मांगणी एक ज छे कि आने वहेलामां वहेली तके चालू करवामां आवे। साथे वडोदरा शहેરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા લોકોના બીપીએલ કાર્ડ હતા, આજે ઘણા લોકોને રેશન કાર્ડની દુકાને અનાજ નથી મળતું, લોકોના જે રેશન કાર્ડ છે તેને એપીએલ કરવામાં આવે છે। તો જે તે સમય પર જે કડિયા મિસ્ત્રીનું કામ કરનારા લોકો હોય છે, આ લોકો 10 રૂપિયામાં જે ભોજન મળતું હતું ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું હતું અને ખૂબ સરસ સુવિધા હતી, પરંતુ ઘણા વખતોથી જે આ શ્રમિક યોજના છે જે બંધ કરવામાં આવી છે અન્નપૂર્ણા યોજના, તેને તાત્કાલિક ધોરણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સાથે સાથે વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી કમિશનરશ્રી ચેરમેનશ્રી પાસેથી એક આશા અને એક અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આને તાત્કાલિક ધોરણે શરૂ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે।